आप भूल सकती हैं मामा, मैं नहीं भूल सकती। अगर आसिम चचा बाबा के साथ इतना बड़ा फ्रॉड ना करते तो शायद बाबा हमारे पास होते, शायद बाबा कभी परदेश जाते ही ना, शायद वो बीमार ना होते, और शायद मेरा बचपन इतनी महरूमियों और तल्ख यादों से ना भरा होता। पता है मामा, आंटी ने स्पेशली आपके लिए मिठाई भेजी है। ये जैद कहाँ पर है? जैद अपने चचा के साथ गया है। आसिम चाचू की तरफ? वो वहाँ क्यों गया? अरे भाई, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, डाका पड़ गया है उनके यहाँ। मौसी बेचारी घर पर अकेली थी और डाकू सब ले गए, कैश था, ज्वेलरी थी, वो तो बेचारे कहीं के नहीं रहे। ये तो बहुत बुरा हुआ आंटी, क्या मैं कोई मदद कर सकता? नहीं बेटा, नौशी बेचारी घर पे अकेली थी, अच्छे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, मैं उसे घर ले आई हूँ, जैद के कमरे में सो रही है। आपने ऐसा क्यों किया? और जैद को क्या जरूरत थी आसिम चचा के साथ थाने जाने की? ये उनका मसला है, हमारा नहीं है। क्या हो गया इमन? आसिम और नौशी इस वक्त परेशानी में है। अब मुश्किल और परेशानी में अपनों को अकेला नहीं छोड़ा जाता, उनका साथ दिया जाता है। उन्होंने कभी हमारी परेशानी में हमारा साथ नहीं दिया, तो हम क्यों नहीं? उनका मसला है, वो खुद भुगते। ऐसे नहीं कहते बेटा, इतना दिल सख्त नहीं करते। भूल गई आप वो सब जो उन्होंने हमारे साथ किया था? सारी उम्र ये लोग मेरे बाबा को लूटते रहे। बाबा ने अपनी सारी जवानी पर देश की धूल मिट्टी में उड़ा दी सिर्फ इन लोगों के लिए। दर्श गए थे मैं और जैद बाबा की शक्ल देखने को, पर वो हमारे पास नहीं थे। बाबा की दूरी ने मुझे तल्ख और जैद को बदतमीज बना दिया, कोई समझाने वाला नहीं था। और ये आसिम चचा और नौशी चची बाबा के पैसों पे ऐश करते रहे। आप भूल सकती हैं मामा, मैं नहीं भूल सकती। अगर आसिम चचा बाबा के साथ इतना बड़ा फ्रॉड ना करते तो शायद बाबा हमारे पास होते, शायद बाबा कभी परदेश जाते ही ना, शायद वो बीमार ना होते, और शायद मेरा बचपन इतनी महरूमियों और तल्ख यादों से ना भरा होता। इन बातों को भूल जाओ एमन, माफ कर दो उन्हें। मैं नहीं भूल सकती मामा, और ना ही माफ कर सकती हूँ। बल्कि जो आसिम चचा के फ्रॉड से कमाए हुए पैसे है ना, ये ऐसे ही डाके से निकलने चाहिए थे, बहुत अच्छा हो। बुरी बात है, अपना दिल बड़ा करो, माफ करने वाले को अल्लाह भी पसंद करता है। मैं अपना दिल बड़ा नहीं कर सकती ये बात, पता नहीं मामा आपने उन सबको कैसे माफ कर दिए। अच्छा छोड़ो अब इन सारी बातों को, तुम चाय पियो और हो सके तो अपने चाचा को कॉल कर लेना। मैं कोई फोन नहीं कर रही हूँ। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं फोन करूंगा, वहां पर मिलने भी जाएंगे। ना हम उन्हें फोन करेंगे और ना मिलने जाएंगे, और ये जैद को भी कह दें कि उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है उसे।